hello my dear students i am very sure you might have completed your homework and you might have enjoyed your sunday let us start the next topic in chapter number 1 and the topic is representing rational number on the number line this topic you have already completed in class 7th also in the chapter under the chapter rational number so the, it is the, it is exactly the same so if you know near you need not to focus anymore but those who are having any doubt, they can understand it here. I would like to explain it here more clearly. First of all, if we represent whole numbers on a number line, so here you can see that here I have made a number line on which the whole numbers started from 0 to infinite are being represented 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Thereafter,

हेयर कम्स द रेशनल नंबर नेक्स्ट इज रेशनल नंबर बिफोर वी गो फॉर नंबर नाइन वी विल हैव टू अंडरस्टेंड फ्यू थिंग्स वट आर दो फ्यू थिंग्स देर आर टू टाइप ऑफ फ्रैक्शंस वट आर दोज प्रॉपर एंड इम प्रॉपर प्रॉपर कौन सी होती है बच्चों जिसमें न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है एग्जाम्पल थ्री बाय फाइव रिटर्न इन द ब्रैकेट और सेकेंड वन इज इमप्रॉपर इम्प्रॉपर कौन सी होती है प्रॉपर का उल्टा जिसमें न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा फाइव बाई थ्री वन एग्जाम्पल इज रिटर्न है नाउ अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट दैट ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन वन ऑल द प्रॉपर फ्रैक्शंस आर लेस देन वन सो ऑल रेशनल नंबर्स ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर विल लाई बिटवीन जीरो एंड वन जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे और जो प्रॉपर हैं दे ऑल विल कम बिटवीन जीरो एंड वन एंड ऑल द नेगेटिव रेशनल नंबर वि लाई बिटवीन जीरो एंड माइनस वन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली रिमेंबर दीज लाइन्स ऑल द पॉजिटिव प्रॉपर रेशनल नंबर विल लाई बिटवीन जीरो एंड वन एंड ऑल द नेगेटिव रेशनल नंबर विल लाई बिटवीन जीरो एंड माइनस वन हेयर आई एम रिप्रजेंटिंग टू रेशनल नंबर फॉर यू माइनस टू बाई फाइव नेगेटिव रेशनल नंबर और थ्री बाई फाइव पॉजिटिव रेशनल नंबर दोनों ही प्रॉपर हैं सो मैंने अपनी नंबर लाइन बनाई जीरो मिडल में लेफ्ट में माइनस वन तक और राइट में प्लस वन तक क्योंकि दोनों ही रेशनल नंबर जीरो से वन और जीरो से माइनस वन के बीच में पड़ेंगे अब मैंने क्या किया जीरो से वन के बीच में फाइव पार्ट्स करने हैं फाइव पार्ट्स और उन फाइव पार्ट्स के लिए मैंने चार निशान लगाए वन बाय फाइव टू बाय फाइव थ्री बाय फाइव फोर बाय फाइव और फाइव बाई फाइव वाला निशान है वन सो हेयर वी गोज फाइव बाई फाइव सिमिलरली इन द लेफ्ट साइड जीरो से वन के बीच में मैंने पांच हिस्सों में बांट दिया उसको और पांच हिस्सों में बांटने के लिए मैंने सिर्फ चार ही निशान लगाए वन टू थ्री फोर पांचवा निशान फाइव बाई फाइव सो द फर्स्ट फ्रैक्शन फर्स्ट पार्ट विल बी वन बाई फाइव सेकेंड पार्ट विल बी टू बाई फाइव एंड द थर्ड पार्ट विल बी थ्री बाय फाइव फोर्थ पार्ट विल बी फोर बाय फाइव एंड फिफ्थ पार्ट विल बी फाइव बाई फाइव जिसको हमने लिखा है प्लस वन Similarly, in the negative side, minus 1 by 5, minus 2 by 5, minus 3 by 5, minus 4 by 5, and fifth part, which is minus 1, is minus 5 by 5. Hence, this way I have darkened the minus 3 by 5 and minus 2 by 5. Okay? This way, these are our points minus 3 by 5 and minus 2 by 5. One more example. माइनस थ्री बाई सेवन एंड फाइव बाई सेवन अगेन यू कैन सी दीज आर प्रॉपर सो दिस विल आल्सो लाई बिटवीन जीरो एंड प्लस वन एंड जीरो एंड माइनस वन फिर से मैंने नंबर लाइन जीरो से प्लस वन तक और जीरो से माइनस वन तक बनाई है इस बार डिनोमिनेटर क्या है डिनोमिनेटर इज़ सेवन सो मुझे जीरो से वन के सेवन पार्ट्स करने होंगे सेवन पार्ट्स मतलब सिक्स मार्क्स छः छः निशान लगाने पड़ेंगे जीरो से वन के बीच में सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन छः निशान लगाए मैंने इट बिकम सेवन बाय सेवन सो वन बाय सेवन टू बाय सेवन थ्री बाय सेवन फोर बाय सेवन और ये रहा मेरा फाइव बाय सेवन उसके बाद सिक्स बाय सेवन और वन को लिख दिया मैंने सेवन बाय सेवन इसी तरह से जीरो से माइनस वन के मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन बाय सेवन तक पहुंचा और यहाँ पर मैंने थ्री बाई सेवन को मार्क कर दिया ठीक है बच्चों दिस वे

माइनस फाइव बाई थ्री मीन्स माइनस वन इज टू टू बाई थ्री तो यू कैन सी ऑल दीज थ्री रेशनल नंबर बाय थ्री तो टू से भी बड़ा है सेवन बाय फोर वन से बड़ा है और फाइव बाय थ्री माइनस वन से छोटा है ठीक है अब लेट अस सी हाउ वी विल रिप्रेजेंट दीज सेवन बाय थ्री कहाँ आएगा सेवन बाय थ्री का एक मिक्स आ रहा है टू इज टू वन बाई थ्री तो इट विल लाई बिटवीन टू एंड थ्री सेवन बाय फोर का मिक्स क्या आ रहा है वन इज टू थ्री बाय फोर सो इट विल लाई बिटवीन वन एंड टू और माइनस फाइव बाई थ्री का क्या आ रहा है मिक्स माइनस वन इज टू टू बाई थ्री सो इट विल लाई बिटवीन माइनस वन एंड टू आपको समझ आया कि ये इनके बीच में क्यों लग गई सेवन बाई थ्री आ रहा है टू इज टू वन बाय थ्री तो टू तक तो हमारा कम होल नंबर हो गया और 2 के बाद 1/3 7/4 में क्या हो रहा है 1 3/4 यानी 1 तक तो होल नंबर और उसके बाद 3/4 5 5/3 में -1 तक होल नंबर और उसके बाद 2/3 ओके रैशनल नंबर ऑफ द सेम डिनोमिनेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द सेम नंबर लाइन ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो सारे रेशनल नंबर एक नंबर लाइन पर नहीं आ सकते केवल वही रेशनल नंबर एक नंबर लाइन पर आएंगे जिनके डिनमिनेटर सेम है तो यहाँ पर मुझे दो दो नंबर मिल रहे हैं कौन से सेवन बाई थ्री और माइनस फाइव बाई थ्री सेवन बाई थ्री को मिक्स में किया मैंने टू इज टू वन बाई थ्री और माइनस फाइव बाई थ्री को मिक्स में किया तो माइनस वन इज टू टू बाई थ्री सो पॉजिटिव साइड में मुझे थ्री तक जाना है प्लस थ्री तक जाना है और नेगेटिव साइड में मुझे माइनस टू तक जाना है तो मैंने अपनी नंबर लाइन देखी कहाँ तक बनाई माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ओके अब दोनों में डिनोमिनेटर कितना है थ्री तो मैंने द जी वन का जीरो से प्लस वन का कुछ नहीं किया प्लस वन से प्लस टू का कुछ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर नंबर आना ही नहीं है नंबर आना है टू से थ्री के बीच में सिर्फ वहाँ पर मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया और थ्री पार्ट्स के लिए बच्चों कितने मार्क्स लगाएंगे टू टू मार्क्स तो टू मार्क्स लगाए टू के बाद फर्स्ट पार्ट होगा टू इज टू वन बाई थ्री टू के बाद फर्स्ट पार्ट होगा टू इज टू वन बाय थ्री हैंड इज सेवन बाई थ्री इसी तरह से माइनस वन और माइनस टू के बीच में मैंने फिर से तीन निशान लगाए और माइनस वन के बाद कौन से निशान पर जाना है टू बाई थ्री पर पहला निशान टू वन बाई थ्री दूसरा निशान टू बाई थ्री सो दैट इज वाई वन और टू के बीच में माइनस टू के पास में लिखा हुआ है माइनस फाइव बाई थ्री लेटेस्ट एक वन मोर एग्जाम्पल सेवन बाय फोर एंड माइनस नाइन बाय फोर सेवन बाय फोर को अगर मैंने कन्वर्ट किया तो ये हो गया वन इज टू थ्री बाय फोर और नाइन बाय फोर को किया तो माइनस नाइन बाय फोर विल बिकम माइनस टू इज टू वन बाय फोर सो दिस टाइम द डिनोमिनेटर इज फोर हैंस वी विल मेक फोर पार्ट्स हेयर यू कैन सी आई हैव मेड फोर पार्ट्स हेयर यू कैन सी आई हैव मेड द फोर पार्ट्स फॉर फोर पार्ट्स आई हैव पुट थ्री मार्क्स वन टू थ्री सो प्लस वन के बाद थर्ड पार्टिल सेवन बाई फोर और माइनस टू के बाद फर्स्ट पार्ट विल बी माइनस नाइन बाई फोर हेर ऑल्सो मेड फोर पार्ट सो दिस वे वी विल रिप्रजेंट द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन आई होप इट इज डैम क्लियर इन योर माइंड अगर आप प्रैक्टिस करेंगे अपने हाथ से बनाएंगे नंबर लाइन तो इट विल बी वेरी मच क्लियर टू यू इन द एक्सरसाइज एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डैम श्योर क्वेश्चन इन द एग्जाम वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर बिटवीन द गिल नंबर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास सेवंथ ऑनली क्लास सेवंथ में आप ये भी पढ़ चुके हैं एंड द सेम वी आर गोइंग टू रिपीट योर फॉर एग्जाम्पल फाइंड रेशनल नंबर बिट्वीन माइनस थ्री बाय फाइव एंड माइनस फाइव बाय सिक्स माइनस थ्री बाई फाइव और माइनस फाइव बाई सिक्स के बीच में हमें पांच रेशनल नंबर निकालने हैं अब बच्चों कितने रेशनल नंबर होते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में देअाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल माइनस थ्री बाई फाइव माइनस फाइव बाई सिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइव और सिक्स का एलसीय बच्चों यहां गलती से थर्टी सिक्स लिखा गया है इट इज नॉट थर्टी सिक्स इट इज थर्टी ठीक है इसको आप थर्टी कर लीजिए ठीक है देन थ्री बाय फाइव फाइव को थर्टी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जब हम फाइव को डिनोमिनेटर no, को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमिनेटर को भी सिक्स से करना पड़ेगा तो यहां मैंने सिक्स और सिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसी तरह से सिक्स को थर्टी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फाइव से मल्टीप्लाई तो यहां मैंने दोनों को ही फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया दिस वे दे बिकम माइनस एट्टीन बाई थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव बाई थर्टी सो वैसे तो यहां पर मुझे पांच नंबर मिल रहे हैं लेकिन अगर कभी पांच नंबर ना मिले तो आप जिस जिस भी नंबर से चाहे टेन 10 से हंड्रेड से टू हंड्रेड से इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मैंने एक बार फिर से इनको दोनों को टेन से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट माइनस वन एट्टी अपॉन थ्री हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी अपॉन थ्री हंड्रेड और उसके बाद देखिए मैंने माइनस वन एट्टी और टू फिफ्टी के बीच में दूर दूर कर में बीच बीच में से पांच नंबर चुन लिए माइनस वन एट्टी नाइन बाई थ्री हंड्रेड माइनस वन नाइन्टी नाइन अपॉन थ्री हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड वन अपॉन थ्री हंड्रेड माइनस टू हंड्रेड नाइन अपॉन थ्री हंड्रेड एंड माइनस टू फोर्टी नाइन अपॉन थ्री हंड्रेड सभी सभी रेशनल नंबर पर माइनस लगाना बहुत ज़रूरी है अगर हमने माइनस नहीं लगाया तो नंबर हो जाएंगे गलत इसी तरह से अगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे नंबर चुने जिससे हमें जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जिन्हें वापस से कट करने कैंसिल करने की जरूरत ना पड़े तो आई हैव ट्राइड बट इवन दो आई कैन सी देयर मे बी फ्यू नंबर्स विच आर नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म ओके अस हैव वन मोर एग्जांपल फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन माइनस टू एंड प्लस वन बाई टू अब अगर माइनस टू के पास डिनोमिनेटर है ही नहीं तो उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा वन ओके okay? जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर क्या हो जाता है वन तो वन और टू का एलसीएम तो एलसीन को वन को हमें टू बनाना है तो दोनों टू तो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां तो ऑलरेडी टू है तो मुझे वन से ही मल्टीप्लाई करके काम चल जाएगा सो हेयर आई गॉट माइनस फोर बाई टू और प्लस वन बाई टू अब माइनस फोर और प्लस वन के बीच में आप मैंने जो भी नंबर है वो सब लिख दिए माइनस थ्री बाई टू माइनस टू बाई टू माइनस वन बाई टू जीरो बाई टू बट देआर फोर ऑनली मुझे चाहिए फाइव इसलिए अगर कभी भी ऐसी स्थिति हो तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये नंबर नहीं लिखना है आपको माइनस थ्री बाई टू माइनस टू बाई टू ये तो मैंने सिर्फ आपको लिख कर दिखाए हैं कि ऐसा कर सकते हैं उसके बाद आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाई टेन दोनों को मैंने टेन से मल्टीप्लाई कर दिया नाउ इट बिकम माइनस फोर्टी बाई ट्वेंटी प्लस टेन बाई ट्वेंटी एंड देन आई चूज फाइव रेशनल नंबर अगेन विद द कंडीशन कि मुझे वापस से सिंपलेस्ट फॉर्म में ना कन्वर्ट करने पड़े अब देखिए बच्चों माइनस नाइन बाई टेन और प्लस नाइन बाई टेन दोनों ही नंबर पॉसिबल हैं तो यू कैन बी स्मार्ट माइनस सेवन बाई ट्वेंटी प्लस सेवन बाई ट्वेंटी माइनस वन बाय ट्वेंटी प्लस वन बाय ट्वेंटी दिस वे वेरी इजिली वी कैन गेट फाइव रेशनल नंबर्स ओके नाव योर होमवर्क फॉर द डे विल बी एक्सरसाइज वन ओके

नेगेटिव में रेशनल नंबर लिख दीजिए जो भी नेगेटिव के रेशनल नंबर हैं वो सब टू से छोटे ही होंगे तो कोई भी रेशनल नंबर लिखिए और माइनस लगा दीजिए इसी तरह से फाइव रेशनल नंबर ग्रेटर देन माइनस टू माइनस टू से बड़े तो जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं वो सब टू से बड़े होंगे तो कोई भी रेशनल नंबर लिखिए और उस पर पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए और इस तरह से हमारी एक्सरसाइज़ 1.2 कंप्लीट हो जाएगी आपको 1.2 तक सारे एग्जाम्पल भी करने हैं फेयर कॉपी में सॉल्व कीजिए आज आ, आज का आपका यही काम है और कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे चैप्टर नंबर टू आई एम वेरी श्योर आप अपना काम ध्यान से कर रहे हैं स्टे होम टेक केयर स्टे सेफ गुड डे